की कह रहा है तीन घन जिसके किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। अच्छा, नया घन जो बनाया जाएगा तो नया घन का आयतन जो होगा किसके बराबर होगा, तो तीनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। यानी कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब इसका आयतन निकल जाएगा, 8 सेंटीमीटर का क्यूब इसका आयतन निकल जाएगा और 10 सेंटीमीटर का क्यूब इसका आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना। तो इसको भी लिख दीजिए, नया जो घन बन रहा है उसका भी भुजा का क्यूब ही होगा फॉर्मूला। अच्छा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और इसका होता है 1000, है ना। सबको जोड़ दिए 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से भुजा का क्यूब आ गया नए घन का। तो यानी यहाँ से आप भुजा का क्यूब बराबर लिख सकते हैं, 12 का क्यूब होता है तो 12 सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब क्यूब हटा दीजिए, यहाँ से आपका भुजा जो आ गया ना इसका 12 सेंटीमीटर आ गया। आपको क्या निकालना है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी 6 गुना 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुना 144 यानी कि गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर